हेलो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन की अगली सीरीज में हम बात कर लेते हैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन के एक अच्छी खासी लार्ज एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की। आइए देख लेते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू हम किस तरह से करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके रूल्स को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कन्वर्जन करेंगे। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले हम स्टैक में से शुरुआत के दो आइटम्स को पॉप आउट करेंगे एंड रेस्पेक्टिवली उनको ए और बी नाम के वेरिएबल्स में सेव करेंगे। एंड देन एज पर दिस अरेंजमेंट हम उन वेरिएबल्स को रखेंगे विद द ऑपरेटर, जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आएगा। एंड देन अगेन हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को वापस स्टैक में पुश करेंगे और इस प्रोसेस को हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे अंटिल अनलेस हमारे पास पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो दी गई है वो फिनिश नहीं हो जाती है। आइए देख लेते हैं फाइनली फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वही आंसर मिलने वाला है। मैं यहाँ पर एक स्टैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम इस पर फोकस करेंगे। हमने यहाँ पर स्टैक को ड्रॉ कर लिया है। स्टैक को हमने थोड़ा सा विड्थ वाइज ज्यादा बनाया है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इसमें फाइनली आने वाली है। आइए इसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। फ्रॉम द वेरी लेफ्ट हैंड साइड हम इसको स्कैन करना शुरू करेंगे और जैसे ही हमारे पास ऑपरेंड मिलेगा हम उसको स्टैक में पुश करना शुरू करेंगे। ऑपरेटर मिलेगा तब हम कुछ देखेंगे। ऑपरेटर मिलेगा तो हम उसके लिए यहाँ पर ए और बी नाम के वेरिएबल्स को ऑलरेडी लिख करके रख रहे हैं ताकि पॉप आउट करने के बाद हम वैल्यूज को इसमें सेव कर पाए। आइए सबसे पहले हमको ऑपरेटर ऑपरेंड मिला, दैट इज एफ, तो एफ विल बी इंसर्टेड इनटू द स्टैक। देन वाई, वाई विल बी, वाई इज एन ऑपरेंड, तो ये भी हमारे पास स्टैक में पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। देन ऑपरेटर कम्स, जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आया हम पॉप आउट करना शुरू करेंगे। वाई को पॉप आउट करके डालेंगे ए वेरिएबल के नाम के अंदर और एफ को पॉप आउट करके डालेंगे बी नाम के अंदर। अब हमारे पास ये बेसिकली दोनों वैल्यूज नल हो गए। देन ऑपरेटर कम्स, नाउ एज पर दिस अरेंजमेंट हम इस ऑपरेटर के साथ इन दोनों वैल्यूज के साथ काम करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ बी इज एफ, देन ऑपरेटर विच इज एस्ट्रिक, एंड देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए विच इज वाई, इसमें क्लोज कर दिया जाएगा और ये फिर वापस से स्टैक में पुश किया जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन स्टैक के अंदर आ गई। नेक्स्ट इज ऑपरेंड यू, ऑपरेंड है स्टैक में पुश किया जाएगा, पुश कर दिया गया। देन पी, पी इज अगेन एन ऑपरेंड, स्टैक में पुश किया जाएगा, कर दिया गया। देन माइनस, माइनस इज एन ऑपरेटर, तो आइए अब इसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। P will be popped out and will be saved into the A. U will be popped out and will be saved into the B. यहां से पॉप आउट हो गए हैं तो स्टैक में से हटाना पड़ेगा। Then operator is minus. Then as per this arrangement, B की वैल्यू पहले यानी U, then operator यानी minus, and then the value of A which is P will be written like this, and then bracket में बंद करके इसको वापस से स्टैक में पुश करना रहेगा। तो जैसे ही हमने यहां पर पुश किया, ये हमने पुश कर दिया, देन इन वैल्यूज को हम नल कर देते हैं आगे की वैल्यूज के लिए। देन एस्ट्रिक, नाउ ऑपरेटर कम्स, अब हमारे पास कोई ऑपरेटर ऑपरेंड नया वाला नहीं मिला बट फिर से हमें ऑपरेटर मिल गया। नाउ फर्स्ट ऑपरेंड ये ट्रीट किया जाएगा, सेकेंड ऑपरेंड इसको ट्रीट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू उठ करके हमारे ए नाम के वेरिएबल में सेव होगी, ये वाली वैल्यू हमारे बी नाम के वेरिएबल में सेव होगी। जब यहां से सेव हो गए तो ये नल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। एंड देन ऑपरेटर इज एस्ट्रिक, तो एज पर दिस अरेंजमेंट द वैल्यू ऑफ बी विच इज दिस वन, तो एफ मल्टीप्लाई वाई ऑपरेटर विच इज एस्ट्रिक, एंड देन वैल्यू ऑफ ए विच इज यू माइनस पी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके हमारे पास स्टैक में पुश होगी। And then we will release the variables. So F asterisk Y minus, so asterisk U minus P, ये पूरी वैल्यू हमारे पास स्टैक में पुश कर दी गई। जब पुश हो गई तो यहां से वैल्यू हमारे पास रिलीज हो गई। वेरिएबल्स आर फ्री टू होल्ड द न्यू वैल्यूज। नाउ ऑपरेंड K comes. Operand is K will be pushed into the stack. स्लैश, स्लैश इज एन ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर है, तो डिवाइड ऑपरेटर के साथ किस तरह से काम करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ऑपरेंड है और ये पूरी वैल्यू अपने आप में एक ऑपरेंड है, तो ये पॉप आउट किया जाएगा के में, सॉरी के की वैल्यू पॉप आउट की जाएगी ए में, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉप आउट की जाएगी बी में। मैं इसको यहां पर नोट कर लेता हूं।
नाउ एज पर द अरेंजमेंट बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इज स्लैश बी की वैल्यू हमारे पास पूरी ये आ गई तो दैट विल बी एफ मल्टीप्लाई वाई एस्ट्रिक यू माइनस पी दिस इज द होल वैल्यू ऑफ बी नाउ द ऑपरेटर स्लैश विल बी रिटन एंड देन द वैल्यू ऑफ ए विच इज के ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके आप वापस से स्टैक में पुश कर देंगे तो फाइनली मैं इसको यहीं पर अपेंड करके लिख देता हूं स्लैश के विल बी रिटन ओके आप चाहे तो यहां पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं नहीं भी लगाएंगे तो भी पूरा का पूरा ऑपरेटर या ऑपरेंड की तरह ही ट्रीट होने वाला है आगे नाउ ऑपरेंड डी कम्स फ्रॉम दी स्ट्रिंग तो डी इज एन ऑपरेंड विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक अगेन सी इज एन ऑपरेंड विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक नाउ प्लस इज एन ऑपरेटर तो जैसे ही हमारे पास प्लस ऑपरेटर आएगा C will be popped and will be saved into A variable as well as D will be popped and then will be saved into the B variable. ये यहाँ से हट जाएंगे and then plus is an operator. तो arrangement of B like D plus the value of A which is C will be like this and then that will be pushed into the stack. Okay? ये हमारे पास release कर दिए गए. Now next operator is plus. तो जैसे ही हमारे पास प्लस आया तो ये एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये पूरी वैल्यू ऑपरेंड की तरह ट्रीट की जाएगी तो जब हमने ये ट्रीट कर दिया तो ये बाहर आएगा हमारे पास d प्लस c की वैल्यू a नाम के वेरिएबल में और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b नाम के वेरिएबल में नाउ एज पर दिस अरेंजमेंट हम इस वैल्यू को लिखना शुरू करेंगे तो फाइनली हमारे पास को जो वैल्यू आने वाली है दैट इज एफ मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई यू माइनस पी स्लैश के ये तो पूरी वैल्यू हमारे पास बी की हो गई देन ऑपरेटर इज प्लस देन प्लस एंड द वैल्यू ऑफ ए मींस बी प्लस सी तो फाइनली ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके आप इस स्टैक में रखने वाले हैं तो मैं इसके आगे ही इसको अपेंड कर देता हूं दैट इज प्लस डी प्लस सी ये पूरी वैल्यू हमने उठा करके इस स्टैक में पुश कर दी नाउ फाइनली ए इज एन ऑपरेंड ए विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक एंड लास्ट ऑपरेटर इज माइनस तो एज पर द रूल ए विल बी पॉप्ड आउट एंड विल बी सेव्ड इनटू ए वेरिएबल एंड द होल एक्सप्रेशन विल बी सेव्ड इनटू द बी वेरिएबल नाउ एज पर द रूल बी ऑपरेटर ए मींस द वैल्यू ऑफ बी एज इट इज रहेगी ऑपरेटर का साइन आ जाएगा दैट इज माइनस and the value of a will be at last. तो ये हमारे पास कुछ expression आ जाएगी इस तरह से और यही हमारे पास output expression बनने वाली है that will be finally f asterisk y asterisk u minus p slash k plus d plus c minus a. ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन आ गई है इस दी गई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की तो बाय दीज सिंपल रूल्स हमको सिर्फ ये याद रखना है बी ऑपरेटर ए और इन द केस ऑफ द प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन ये रूल पलट जाएगा दैट इज ए ऑपरेटर बी तो बाय दिस सिंपल अप्रोच वी कैन फाइंड आउट आर आउटपुट स्ट्रिंग आइए अब एक और एग्जाम्पल को हम अपने प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं अब एक नई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ले लिया है उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आइए उसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे बिल्कुल अप्रोच पहले जैसे ही रहने वाली है मैं यहां पर ब्लैंक स्टैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं उसके बाद फिर हम इस पर फोकस करते हैं हमने यहां पर स्टैक का ब्लैंक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है अब सबसे पहले इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे ए इज एन ऑपरेंड बी इज एन ऑपरेंड दोनों को स्टैक में पुश कर दिया जाएगा ए इज एन ऑपरेंड बी इज एन ऑपरेंड दोनों पुश कर दिए गए देन ऑपरेटर डिवाइड कम्स Then, जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आया वी विल पॉप आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू ए वेरिएबल एज वेल एज द वैल्यू ऑफ दिस टू बी वेरिएबल यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास सेम ही आ रही है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से आप किसी भी कंफ्यूज वाली स्टेट में नहीं आए कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम नाम के हैं या थोड़ा सा इंटरचेंज है तो आ जाते हैं अपने ऑपरेटर के पास ऑपरेटर इज स्लैश तो एज पर द अरेंजमेंट द वेरिएबल वैल्यू ऑफ बी विच इज ए ऑपरेटर इज स्लैश एंड देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए दैट इज बी दिस विल बी
pushed into the stack. तो A slash B will be pushed into the stack. जब ये stack में push हो जाएगा तो ये हमारे पास से values blank हो जाएंगे. आइए अब आगे देख लेते हैं, which is operand C. C will be pushed into the stack. D is an operand that will be pushed into the stack. Now operator exponent comes. जैसे ही हमारे पास एक्सपोनेंट आया मींस हमको अब ये पॉप आउट करके ए में पहुंचाना है, ये वाली वैल्यू पॉप आउट करके बी में पहुंचानी है, ये यहां से नल हो जाएगा, ये यहां से वैल्यू हट जाएगी. देन ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट, देन द वैल्यू ऑफ बी विच इज सी, एक्सपोनेंट द वैल्यू ऑफ ए विच इज डी. ये पूरा हमारा उठा करके इस टैग की टॉप लोकेशन पे हमने पुश करा देना है. जैसे हमने यहां पर पुश कराया ये वैल्यू हमारे पास यहां से हट जाएंगे. देन operand e comes, e will be pushed into the stack. Now operator slash operation, now operator multiplication arrives. तो जैसे हमारे पास operator आया तो पहली value और सिर्फ दो value, starting के सिर्फ दो values के साथ ही हमको काम करना है. यानी ये operand पहुंचेगा e नाम के a नाम के variable में, ये पूरा का पूरा value b नाम के variable में. जब यहां से पहुंच जाएंगे तो ये basically values null हो जाएगी. Then as per the arrangement B operator A, the value of B is C exponent D, operator sign is asterisk and the value of A is E. This is the whole value will be pushed into the stack. So C exponent D asterisk E will be at the top location on the stack. Now that will be released. And finally हमारे पास जो एक last ऑपरेटर बचा है विच इज प्लस, जैसे ही हमारे पास प्लस आएगा दैट विल बी पॉप्ड आउट टू ए. तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्सपोनेंट डी प्लस ई एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी ए स्लैश बी. ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बाहर आ जाएंगे. तो फाइनली यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, स्टैक विल बी नल. एंड देन ऑपरेटर प्लस इस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाएगा, तो वैल्यू ऑफ बी मीन्स दिस वन that is a slash b operator which is plus and the value of a which is c exponent d plus e. This will be the final expression of postfix to infix. बाद में हम इसको stack में डालेंगे and then finally हमको इसको pop out करना ही है. तो this is the output expression of this postfix to infix conversion. ये हमारे पास postfix expression थी, this is the output infix expression. आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो. थैंक यू सो मच.